मैं सोच रहा था, ये जो तुम्हारी दोस्त है, क्या नाम है इसका? मीना। मीना। मीना, ये मतलब अचानक कैसे पैदा हो गई? अच्छा, तुम्हारे सब दोस्तों का पता है मुझे। इससे मुकाबला करोगी तो मामा? कैसा मुकाबला? वैसे आपस की बात है, अब तो तुम्हें थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। कहना क्या चाहते हो तुम? नहीं, अब भी उससे मिलोगी? किससे? उसी से, हसन से। कमाल, तुम्हारे इसी शक की वजह से मेरी अब्बी की जान चली गई। खबरदार, जो आइंदा मुझे ये बात बोली, उनकी मौत की जिम्मेदार तुम हो। हाँ, ये सब मेरी वजह से ही तो हुआ है, मेरा ही तो कसूर है ना? तो किसकी वजह से हुआ है? कमाल, तुम ऐसा करो, मुझे मार दो एक दफा ही। नहीं, इतनी आसानी से नहीं। तुमने जो किया है ना, उसका बदला एक आसान मौत नहीं होती, बल्कि सिसक सिसक के जीना होता है ना? एक तो आपको हमेशा टपक जाना होता है, कभी नौक करके आ जाया करें, कोई प्राइवेट टाइम होता है मियां बीवी का यार। मैं माँ हूं तुम्हारी, और तुम्हें यह सिर्फ समझाने के लिए आई हूं कि बेटा, जुल्म अगर हद से बढ़ जाता है ना, तो अल्लाह का अजाब नाजिल होता है, डरो उस वक्त से। नहीं, ठीक है ठीक है, मैं बिल्कुल डर जाऊंगा, मैं बहुत डर जाता हूं, लेकिन मुझे एक बात का जवाब तो दें, क्या मैं ही मिलता हूं आपको नसीहत के लिए? हाँ, मुझे देनी सारी नसीहतें आपने, ये इनको अपनी बहू को भी दे दिया करें कुछ नसीहतें? मुझे अपनी बहू पे पूरा यकीन है, वो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर सकती। अच्छा, वेरी नाइस, जबरदस्त। तो अब आप भी इसकी तरफदारी करेंगी? हाँ, अपने सगे बेटे की नहीं करेंगी? नहीं, बेटे पे भी होगा यकीन, पहले तुम भाईजान की मौत का कफारा तो अदा कर दो। क्या मतलब, कैसा कफारा? यही कि जोया का ख्याल रखो, इससे नरमी से बात करो, इसका हम दोनों के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा, और अगर ना रखूं तो भाड़ में जाओ तुम। नहीं, मैं क्यों भाड़ में जाऊं? मैं क्यों जाऊं भाड़ में? इसने मेरी जिंदगी अजाब कर दी है, पता है ना आपको ये बात, और आप इसी का साइड ले रही हैं? वाह वाह, ये ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। जाता हूं फिर, सब देख पालो। देख के नहीं चल सकते? आप देख के खड़ी हो जाए ना फिर। खराब हो गया सड़क का तुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज हाजरा यामीन। प्लीज डू लाइक एवाई डिजिटल पेज ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू देयर यूट्यूब चैनल एज वेल।